राहुल जी बहुत ही ज्ञानी नेता है। प्रधानमंत्री जी से मिलने में मुझे 4-5 दिन लगा। राहुल जी व्यस्त रहते हैं, पूरा 6-7 महीना तो यात्रा में रहे और फिर वो थोड़ा कम मिलते, उनका स्वभाव भी नहीं है ज्यादा मिलना। कांग्रेस में जितने बड़े नेता वो सबको 1 साल से नहीं मिला, कोई 2 साल से टाइम मांग रहा है। राहुल जी के पास जब समय होगा तभी तो देंगे, हो सकता है उन्हें नहीं लगता हो कि इस समय की बर्बादी है। लेकिन राहुल जी बहुत ही ज्ञानी नेता है, बहुत ही कहा होगा सोच समझ के कहा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला करना राहुल जी का कर्तव्य भी है और उनका जन्म सिद्ध अधिकार भी है। राहुल जी को टारगेट करना भाजपा का जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तो चल रहा है, बहुत दिनों से चलता रहेगा। अच्छा, राहुल गांधी जो रिहाई यात्रा निकाल रहे हैं उसमें उन्होंने न्योता दिया है अखिलेश यादव को, तो क्या अखिलेश यादव का वहाँ जाना बनता है या किस तरह से आप किस नजरिए से देखते हैं सर? इसका जवाब तो अखिलेश जी को देना है ना। अखिलेश यादव जी तो मध्य प्रदेश के चुनाव में कह रहे थे कांग्रेस और भाजपा एक है, अब कांग्रेस और भाजपा एक है तो फिर अखिलेश जी कांग्रेस के साथ। अखिलेश जी तो कह रहे थे कि कांग्रेस और भाजपा एक जैसे, कांग्रेस झूठी पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है। लेकिन अब वो अगर यात्रा में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है, बड़ा सवाल ये है, क्या देश में अन्याय हो रहा है जिसके खिलाफ न्याय यात्रा निकालनी पड़ रही है? तो न्याय यात्रा का मतलब है देश में अन्याय हो रहा है, इसको जस्टिफाइड करना बड़ा जरूरी है कि देश में कहां कहां अन्याय हो रहा है। उनके स्वार्थ में इतना अंधे हो गए कि वो भारत की न्यायपालिका पे उन्हें यकीन ही नहीं रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी से मिलने में मुझे 4-5 दिन लगा, मैंने नोट कराया था तो उनका तीसरे चौथे दिन पीएम हाउस से मुझे आ गया था। राहुल जी व्यस्त रहते हैं, पूरा 6-7 महीना तो यात्रा में रहे और फिर वो थोड़ा कम मिलते, उनका स्वभाव भी नहीं है ज्यादा मिलना। मैं कांग्रेस में जितने बड़े नेता वो सबको 1 साल से नहीं मिला, कोई 2 साल से टाइम मांग रहा है, कोई 3 साल से मांग रहा है, 6 महीने से टाइम मांग रहा है, तो ये तो कोई समस्या नहीं है। अब राहुल जी के पास जब समय होगा तभी तो देंगे, हो सकता है उन्हें नहीं लगता हो कि इस समय की बर्बादी है इनसे मिलना, तो वो नहीं देते होंगे। लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं, कभी यात्रा करते हैं तो व्यस्त रहते हैं, वो कोई विषय नहीं है। जो सच है मैंने वो बताया। राहुल जी बहुत ही ज्ञानी नेता है, प्रधानमंत्री जी से मिलने में मुझे 4-5 दिन लगा। राहुल जी व्यस्त रहते हैं, पूरा 6-7 महीना तो यात्रा में रहे और फिर वो थोड़ा कम मिलते, उनका स्वभाव भी नहीं है ज्यादा मिलना। कांग्रेस में जितने बड़े नेता वो सबको 1 साल से नहीं मिला, कोई 2 साल से टाइम मांग रहा है। राहुल जी के पास जब समय होगा तभी तो देंगे, हो सकता है उन्हें नहीं लगता हो कि इस समय की बर्बादी है। लेकिन राहुल जी बहुत ही ज्ञानी नेता है, समझ के कहा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला करना राहुल जी का कर्तव्य भी है और उनका जन्म सिद्ध अधिकार भी है। राहुल जी को टारगेट करना भाजपा का जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तो चल रहा है, बहुत दिनों से चलता रहेगा। अच्छा, राहुल गांधी जो रिहाई यात्रा निकाल रहे हैं उसमें उन्होंने न्योता दिया है अखिलेश यादव को, तो क्या अखिलेश यादव का वहाँ जाना बनता है या किस तरह से आप किस नजरिए से देखते हैं सर? इसका जवाब तो अखिलेश जी को देना है ना। अखिलेश यादव जी तो मध्य प्रदेश के चुनाव में कह रहे थे कांग्रेस और भाजपा एक है, अब कांग्रेस और भाजपा एक है तो फिर अखिलेश जी कांग्रेस के साथ। अखिलेश जी तो कह रहे थे कि कांग्रेस और भाजपा एक जैसे, कांग्रेस झूठी पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है। लेकिन अब वो अगर यात्रा में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सवाल ये है, बड़ा सवाल ये है, क्या देश में अन्याय हो रहा है जिसके खिलाफ न्याय यात्रा निकालनी पड़ रही है? तो न्याय यात्रा का मतलब है देश में अन्याय हो रहा है, इसको जस्टिफाइड करना बड़ा जरूरी है कि देश में कहां कहां अन्याय हो रहा है। उनके स्वार्थ में इतना अंधे हो गए कि वो भारत की न्यायपालिका पे उन्हें यकीन ही नहीं रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये
प्रधानमंत्री जी से मिलने में मुझे 4-5 दिन लगा। मैंने नोट कराया था तो उनका तीसरे चौथे दिन पीएम हाउस से मुझे आ गया था। राहुल जी व्यस्त रहते पूरा 6-7 महीना तो यात्रा में रहे और फिर वो थोड़ा कम मिलते, उनका स्वभाव भी नहीं है ज़्यादा मिलना। मैं कांग्रेस में जितने बड़े नेता वो सबको 1 साल से नहीं मिला, कोई 2 साल से टाइम मांग रहा है, कोई 3 साल से मांग रहा है, 6 महीने से टाइम मांग रहा है। तो ये तो कोई समस्या नहीं है, अब राहुल जी के पास जब समय होगा तभी तो देंगे। हो सकता हो उन्हें नहीं लगता हो कि समय की बर्बादी है इनसे मिलना, तो वो नहीं देते होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते, हमेशा करते रहते, कभी यात्रा करते हैं तो व्यस्त रहते, वो कोई विषय नहीं है। जो सच है मैंने वो बताया।